हेलो दोस्तों, यूट्यूब आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी जो अभी आई हुई है, 7692 पोस्ट है। सुनिएगा, इसमें 7692 पोस्ट है, जिसमें कि क्लर्क का पोस्ट है, प्यून का पोस्ट है, एस्ट्रोग्राफर का पोस्ट है और रीडर का पोस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर दिल से कहें तो ये पोस्ट केवल पोस्ट के लिए दिया गया है। इनमें जो बच्चा एग्जाम देगा, इनका जो क्राइटेरिया इन्होंने रखी है, मुश्किल से वो अगर बच्चा अभी ढूंढा जाए बिहार में तो पोस्ट के 20% बच्चा भी एलिजिबल नहीं है उनके लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने वो एलिजिबिलिटी रखी है उनके लिए वो क्राइटेरिया रखा है जो फिलअप कर ही नहीं पाए। अगर बात करें दोस्तों, हम 1500 के आसपास पोस्ट है क्राइटेरिया रखा है, स्टेनोग्राफर में 1500 पोस्ट है जो बिहार सिविल कोर्ट है। उनमें बताया गया है कि सिविल कोर्ट में जिसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग आता हो वही केवल फिलअप कर सकते हैं वो एस्ट्रोग्राफर के लिए। दोस्तों आप ये बताइए ईमानदारी से, बिहार में अगर ढूंढने पे भी 100 लड़का मिल जाए जिनको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आता हो, दोनों में वो पारंगत हो, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका सेंस क्या निकलता है कि 50 से 100 बच्चा जो अप्लाई करेगा उनका होगा और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए क्या किया जाए, उनको बेच दिया जाए, उनको उनसे धनराशि कमाया जाए। आप यही चाहते हैं ना, आप तो एक बैचलर डिग्री की डिमांड कर रहे हो, ऊपर से आप जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग की बात कर रहे हो, दोनों कंपलसरी कर दिए हो आप, ये तरीका थोड़ी होता है। और तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, ये केवल ये जो क्लर्क की वैकेंसी है इसमें सिविल कोर्ट की, वहां लिखा है केवल बैचलर डिग्री पर आप मांग रहे हो बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर नॉलेज। आप कंप्यूटर नॉलेज की बात कर रहे हो तो अप्लाई करते टाइम आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट नंबर क्यों मांगते हो, तो डायरेक्ट उसमें लिख दो पहले कि आपकी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क पोस्ट के लिए। उसमें आप तो सीधा सीधा कह दीजिए कि नहीं इसमें आप अप्लाई मत कीजिए। आप बहाना क्यों बना रहे हो कि विथ कंप्यूटर नॉलेज, आप अगर विथ कंप्यूटर नॉलेज लग रहे हो तो आप इस बेस पे दो ना भाई कि आप जो बच्चे पास करेंगे उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, कैसे सिस्टम खुलती है, ओपन होती है, कैसे कोई फाइल में ट्रांसफर करते हैं, ये एक सिंपल बात है। आप नॉलेज चेक करोगे, आप जब अप्लाई करते टाइम जब फॉर्म फिलअप करने के लिए बच्चा जा रहा है वहां पे, आप कह रहे हो कि आप कहां से कंप्यूटर कोर्स किए हो, कौन से कोर्स किए हो, कौन सा इंस्टीट्यूट से किए हो, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो आप डायरेक्ट लिख दो उसमें कि नहीं कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी है। जिस प्रकार से आप इसमें स्टेनोग्राफर बनाने किए हैं आप, इसका मतलब तो एकदम ये धांधली वाली बात होगी दोस्तों। यहाँ कहा कुछ और जा रहा है लेकिन वास्तविकता कुछ और बात से है। अभी भी मैंने एक मतलब कि एक देख रहा था न्यूज चैनल पे, एक न्यूज देख रहा था, वहां पे भी स्टूडेंटों का ये डिमांड उठ रहा है कि ये जो बात चल रही है सिविल कोर्ट वैकेंसी की, एक्चुअली में डिमांड की चल रही है बात। इसमें अभी से ही बोली लगना स्टार्ट हो चुका है, 10 लाख 8 लाख बिकेगी सीट, कन्फर्म बिकेगी। 2016 की वैकेंसी जब आई थी उसमें क्राइटेरिया क्या था, हिंदी या इंग्लिश, बाइलिंगुअल, मतलब कोई एक। और यहाँ पे भी बाइलिंगुअल है लेकिन आप दोनों क्यों, बाइलिंगुअल कोई एक लो ना, हिंदी लेना है तो हिंदी आप मांगिए, डिमांड कीजिए, अगर इंग्लिश डिमांड करना तो आप इंग्लिश डिमांड कीजिए। आप दोनों क्यों डिमांड कर रहे हो बच्चे से, अगर बच्चे दोनों कौन बच्चा करता है मुझको ये बताइए, कौन बच्चा ऐसा होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों, रेयर ढूंढिएगा 100 को बहुत होगी, हम मेरे ख्याल से 100 बच्चा ऐसे होंगे जो 100 बच्चा जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पारंगत होंगे। और सब बच्चा कहाँ जाएंगे, और सब बच्चा वही उठा के लाइएगा, आप पैसा देकर के लाइएगा। तो हम यही चाह रहे हैं दोस्तों आप लोगों से, इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सरकार की जो नींद है वो खुल सके और इस बात को जान सके इसमें यह धांधली हो सकती है। आप इस क्राइटेरिया, इस एलिजिबिलिटी को अगर आप रखते हो, इसमें बच्चा उतना फिलअप नहीं कर पाएंगे, वही होगा फिर अधिकारी लोग पैसा दे करके सीट को फिलअप करेंगे। इससे वैकेंसी मत देते हैं आप, इससे अच्छा यही होता कि वैकेंसी ही नहीं देते, सबसे अच्छा नाम की वैकेंसी दे रहे हो आप कि लो बिहार में वैकेंसी आ गई। तो ये सब नौटंकी से अच्छा है दोस्तों कि आप वैकेंसी मत दो, वैकेंसी देते हैं तो वो हर बच्चा के लिए दीजिए जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास मेरिट है, जो सही में लेना चाहता है। आप ऐसा क्राइटेरिया मत रख दीजिए कि किन्हीं के पास हो ही नहीं। क्लर्क के लिए आप रखे हैं दोस्तों, क्लर्क के लिए अगर रखे हैं आप तो उनके लिए आप कंप्यूटर नॉलेज रखे हैं तो फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नंबर क्यों मांग रहे हैं आप? अब जो कंप्यूटर कोर्स किया है वही आप अप्लाई कर सकता है उनको केवल। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि जो ग्रेजुएशन करके पीजी करके लास्ट ऑप्शन है कि वो प्यून का अप्लाई करे, छपरासी वाला वो जो प्यून है उसको जाके अप्लाई करे, क्लास 10th लेवल का है,
उसमें जाकर अप्लाई करो, जिसको जिसको लेना है लो, बाद बाकी पोस्ट हम उसमें भी प्लस और में भी, बस सेल ही सेल। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा आप लोग भी। मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कहाँ तक ये सही है। क्या आपको पता है कि अगर टाइपिंग जो कोई स्टेनोग्राफर के लिए जाएगा तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों मारना आता होगा? कितने बच्चा को होगा पता? आप लोग इस बात पे दोस्तों विचार कीजिए। हम अगर सही बोल रहे हैं, आपको अगर गलत लग रहा है तो आप बताइए कहाँ हम गलत बोल रहे हैं, क्या मैंने वीडियो में गलत बोला, ये आप मुझे सजेस्ट कीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका नींद खुले और पता चले कि बच्चों के बीच में अभी क्या चल रहा है। अभी सभी बच्चों का यही डिमांड है जो अप्लाई कर रहे हैं, ये जो नियम लाया गया है, ये जो कानून लाया गया है, इनको हटाया जाए। हिंदी इंग्लिश कोई एक रखे, हिंदी रखना है तो हिंदी रखे, इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश रखे, कोई एक को रखे वो कंपलसरी, दोनों को ना करे। दोनों को करने से विवाद बढ़ जाएगी, फिर बच्चे में आक्रोश भर जाएंगे और फिर कहेंगे बिहार के छात्र होकर आंदोलन करते हैं, बिहार का छात्र रोड पर प्रदर्शन किया। मतलब करवाते हो तब ना करते हैं, आप तो खुद करवाना चाह रहे हैं, आप तो खुद बीपीएससी को तो नौटंकी बना दिया, एकदम खिलौना बना दिया बीपीएससी को, फुटबॉल की तरह इधर से लात मारो उधर डेट गया, उधर से लात मारो इधर डेट गया, डेट का तो फुटबॉल बन गया वो, कब कैसे क्या 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 कुछ पता ही नहीं। खिलो उसका जो बीपीएससी चेयरमैन है उनका तो पता ही नहीं कैसे वो अपॉइंटमेंट हो गए उस पद पे जा करके, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। डिसीजन भाई आप सिविल सर्विस के क्षेत्र में आप बच्चे को ले रहे हो, आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कब क्या करना है, तो बच्चे कहां से आप खोज रहे हो कि एकदम सुपर मक्खन चाहिए जिसके पास फुल डिसीजन मेकिंग पावर हो। आप पहले खुद अपना डिसीजन मेकिंग ठीक कीजिए ना, फिर बच्चे को आप बोलिएगा। तो दोस्तों यही सब कुछ बातें थी जो आप लोगों को बताना था, इसीलिए मैं यहां आया था आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेके। तो दोस्तों इस बात को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके और सरकार इनके ऊपर ध्यान दे, आयोग इनके ऊपर ध्यान दे और ये जो मिस्टेक है दोस्तों त्रुटि का, ये इनको इनका इन सुधार करे। मैं यही डिमांड करता हूँ जो वो सभी स्टूडेंट भर सके जिनको एक भी टाइपिंग आता हो इंग्लिश या हिंदी, वो अप्लाई कर सके। तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।